इंसान सीखा हो, लेकिन जो 6 महीने साल भर भी सीखे हैं ना, और आज वो लाइट म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, गाने गाते हैं शादियों पार्टियों में, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कर लेते हैं होटल्स में, है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, पार्टीज होती है ना, कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें थोड़ा परफॉर्मेंस कर दी है ना, लाइव शोज कर दिए, और दूसरों के ही गाने गा रहे हैं, वही किशोर कुमार के, लता जी के गाने जो पुराने चले आ रहे हैं वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लासिकल नहीं परस्यू किया, लेकिन सिखाया मैंने उनको तब भी क्लासिकल ही था, वो आज धन्यवाद बस इसी चीज़ का देते हैं कि यार हम आपके साथ जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी सिखाई गई विद्या को हम आगे परस्यू करें, लेकिन आपने जो सारा सिखाया था वो काम हमारे इसमें आ रहा है यार। गर शराब पियो, गर शराब पियो, बढ़िया पियो। एक क्रैश कोर्स, जैसे क्रैश कोर्स करवा देते हैं ना, क्रैश कोर्स हो जाता है। अब देखिए मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, ये किया हुआ मेरा काम है ना, ये जाहिर सी बात है, मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि बच्चा उतना आगे जाना ही नहीं चाह रहा है, कि उस अकॉर्डिंग मैं सिलेबस मोल्ड कर दूँ, वो भी मैं करता हूँ और वही कर रहा हूँ एक्चुअली आपके साथ भी, मैं सिलेबस मोल्ड करके ही सिखाता हूँ हर स्टूडेंट के अनुसार, है ना, जैसा जैसा उसका स्तर है, जैसा जहाँ तक उसे जाना है उसी अकॉर्डिंग मैं वही चीज़ें उतनी ही कराता हूँ, वरना कराने को उसको और डिटेल में कराया जा सकता, पर मैं इतना ही बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही रियायत दी जाती है ना थोड़ी सी, जैसे ही थोड़ी सी ढील दी जाए कि चलो कोई बात नहीं इसको तो इतना ही करना है, सामने वाला उसे बिल्कुल नहीं करता है। ये मैंने देखा स्टूडेंट्स में कि जैसे ही कम कर दो ना उसे, तो वो चाहता है कि छोड़ो ना फिर तो इसे, जब कम कर दिया, जब टीचर ही ये कह दे कि हाँ ठीक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर तो स्टूडेंट उसको हाथ नहीं लगाता टॉपिक को। जैसे हमें टीचर्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाले हैं, पर ये वाले भी पढ़ लेना, पर ये उतने नहीं है, इंपॉर्टेंट ये हैं। जो महान स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ ज्यादा ही डेढ़ होशियार, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट्स पढ़ के जाते हैं और वो रेस्ट वाले पढ़ते ही नहीं है। भाई टीचर ने ये थोड़ी कहा था कि ये बिल्कुल ही बेकार है, अगर बेकार होता तो सिलेबस में ही क्यों रखता मैं, है ना। पर इस तरह के स्टूडेंट्स जब मुझे मिलते हैं ना, तो फिर मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि मैं ये कहाँ बोल पाऊँ कि ये वाले इंपॉर्टेंट हैं और ये वाले थोड़े कम हैं, लेकिन पढ़ना इन्हें भी करना है ना। जैसे मैंने आपको कह दिया कि रूपक, 9 मात्रा और 10 मात्रा, इन पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये छंद जो हैं थोड़े ऑफ वाले हैं, तो इनको करोगे तो लय जल्दी समझ आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 6, 8 और 12, 16 जो इजी वाले हैं उन्हें बिल्कुल ही छोड़ दो, ये तो मैंने नहीं कहा था। लेकिन कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सर आपने तो कहा था 7, 9 और 10, ये वाले थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, इनको करेंगे तो लय की जल्दी समझ आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 6, 8 और 16, 12 को तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, है ना, कि 3 ताल ये तो आसान है, ये तो आ जाएगी, तो हमने अभ्यास ही नहीं किया उसका, है ना। या मैंने ये कह दिया कि डिफिकल्ट वाले अलंकार जो हैं वो करते हैं तो गले में, अब जैसे अगर आपको गाना है सागर रेगा सागर रेग सारे ग रे ग सागा सारे ग रे सारे सागा सागा रे रेगा मा गा मा रे मा रेगा मा गा रेगा रे मा रे मा गा, ये डिफिकल्ट वाला अलंकार है, इसको करोगे तो गले में खटके आएंगे, गले में हरकतें पैदा होंगी, तो गाना गाने में आपको आसानी होगी, वो मुर्कियाँ जो हरकतें छोटी छोटी लगती हैं वो जल्दी आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था जो शुरुआती 7 अलंकार थे बेसिक वाले वो कभी ना करो, है ना, ये लोगों की गलतियाँ हैं। ये ऐसे महान स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा मिलते हैं जिनको अगर मैं रियायत दे दूं ना, क्रैश कोर्स दे दूं, तो वो चाहते हैं इसे और छोटा कर दो। अगर मैं कह दूं कि संगीत जो है, मैं जो सिखा रहा हूं शास्त्रीय संगीत, वो 5 साल का कोर्स है, सर थोड़ा कम करो, ठीक है आपके लिए 1 साल में सिखा देंगे, तो वो 1 साल भी सिखाएंगे, सर थोड़ा और कम कर दो, चलो 6 महीने में। अब सोचिए मैं जो 5 साल के कोर्स को अगर मैं 6 महीने में लाया हूं, तो मैंने कितना घटाया होगा उसमें से। अब वो 6 महीने जैसे ही उसको मालूम चला ना यार 6 महीने में हो सकता है, इसका मतलब तो और कम भी हो सकता होगा। जैसे ही ये मालूम चल जाता है कि 5 साल का कोर्स जब 6 महीने में हो सकता है, तो ये 6 का 3 महीने कैसे बनाया जाए, और ये 3 महीने में आधा टाइम पास करके इसे महीने भर का कोर्स कैसे बनाया जाए, और 30 दिन में हारमोनियम सीखें, ये टाइटल्स आ जाते हैं। 30 दिन में आपको सिलेबस पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराने में क्यों नहीं किया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ एक दिन में 1 घंटे में ये बता सकता हूं कि पूरे संगीत में क्या होता है। बताना ही तो है, ग्लिम्स ही तो देनी है, झलकी ही तो देनी है भैया। 3 घंटे की पिक्चर होती है, ट्रेलर कितना, 1.5-2 मिनट। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पिक्चर का साइज कम करते 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 अब मैं 1.5 मिनट में ही पिक्चर बनाने लग जाऊं, मुमकिन ही नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा कि मैं क्रैश कोर्स इतना क्रैश करा दूं कि 7 वीक कोर्स वीकली तो मैं कराने से रहा ना, है ना। तो वैसे तो मैं मोल्ड करके ही सिखाता हूं, मैं जो मालूम है, मैं इतनी गहराई में वैसे भी नहीं जाता। गहराई में जब तक नहीं जाता हूं मैं, तब तक गहराई में नहीं जाऊंगा जब तक स्टूडेंट की डिमांड नहीं होगी।
कि स्टूडेंट कह दे कि सर इसमें थोड़ा और डिटेल बताओ ना, मुझे लग रहा है इसमें और गुंजाइश है, तो मैं बताता हूँ देखो इसका ये भी यूज़ है ना। वरना कोशिश तो मेरी यही रहती है, जैसे बच्चा लाइट सीखने ही आया है तो मैं लाइट के एग्जांपल देता रहूँ। इसीलिए मैंने आपको जब तालें सिखाई थी तो सबसे पहले गाने बताए थे कि इन इन गानों को सुनना, इनमें ये वाली तालें लग रही हैं, इसीलिए तालें सिखा रहा हूँ। ये मत, ये नहीं तो पहले दिन यार ये क्या है, ये ताल तीन तीन धा धून दीन, ये कौन से वर्ड है यार, आज तक नहीं बोले हमने, इनको क्यों प्रैक्टिस करें हम। गाने में तो कहीं हमने किसी से कभी, मैंने सोनू निगम को ये गाते सुना नहीं, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, उसने तो हमेशा अभी मुझ में कहीं गाया है ना। तो आप ये तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना क्यों रटवा रहे हो? तो पहले मैं बता देता हूँ भैया, ये देख ले, ये राग है, ये गीत है, अगर तू गाएगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तो ये राग यमन में है, तो थोड़ा सा राग यमन सीख ले तो तेरे को समझ आएगा कि ये गाना कैसा बन रहा है। वरना इस गाने को तोते की तरह रटता रहेगा और पट 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 बोलेगा, कहीं गलत भी बोल रहा होगा, तुझे भी नहीं पता चलेगा ना ऑडियंस को मालूम चलेगा। तो बेवकूफ़ों के लिए ही अगर गाना है तो मेरे पास क्यों आया था, पहले ही गा ही रहा था तू, है ना। लेकिन आपको अगर सीखना है तो चार समझदार भी अगर आपकी तारीफ कर दें, यार बेवकूफ़ तो किसी की भी तारीफ कर देते हैं, उनकी तारीफ लेके क्या क्या मिलेगा आपको, या उनका ये कि उन्होंने कह दिया कि हाँ तुम सही हो, उनसे वैलिडेशन लेना, उसके लिए आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, है ना। अभी मैं जिस जगह, मान लीजिए मैंने गांव में चार लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, अंट शंट बोल दिया, तो भी बोल रहे हो और क्या बातें कर देंगे, है ना। लेकिन यही मैं किसी लिटरेट आदमी के सामने अगर वही चार बातें बोलूँगा तो वो मेरे अभी इन्हीं चार में नुक्स निकाल देगा कि ये क्या फजूल बात बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, है कि नहीं। तो बस उतना सा है मेरा मकसद, वरना मैं कलाकार तो मैं किसी को भी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कलाकार कोई बन नहीं सकता है। मेरे पास आज तक मेरा टीचिंग, मेरी खुद की उम्र 22 है, मैं सीखते सीखते इतने साल मुझे हो गए, मान लीजिए कम से कम 15 साल तो मैं मान ही सकता हूँ कि हो गए होंगे मुझे सीखते हुए, कि अगर मैं 5 साल की 6 साल की उम्र से भी सोच समझ के होश से खुद से बैठा होऊंगा, उससे पहले से तो चलो सीखते खेलते खालते सीखें, है ना, पर होश संभाला है जब तक अगर मुझे 15 साल हो गए, और सिखाने में भी मुझे 10 साल हो गए सिखाते सिखाते, क्योंकि मैंने सीखना शुरू किया उसके चंद साल बाद मैंने सिखाना शुरू कर दिया था साथ में ही पिताजी के। तो तब से मैं ये चीज़ तो समझ चुका हूँ कि कलाकार तो कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कलाकार बनने में कितना मरना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है, और उतनी क्षमता, उतनी ललक, उतनी जिज्ञासा आज तक नहीं देखी मैंने किसी में, किसी स्टूडेंट में नहीं देखी, जो इवन क्लासिकल को परस्यू कर रहे हैं उनमें भी नहीं देखी। तो मैं ये तो क्यों ही एक्सपेक्ट करूंगा किसी लाइट वाले इंसान से जो लाइट म्यूजिक सीखने आया, जो शौकिया सीख रहा है, तो मैं गहराई में तो वैसे भी किसी को नहीं ले जाता, सिर्फ झलकी दे देता हूँ कि देख लो ये भी होता है, करो करो तो ठीक, नहीं तो ठीक, है ना। फोर्स तो मैं आप लोगों को भी नहीं करता हूँ कि ये ताले अगर नहीं करी तो मैं ज़बरदस्ती करा रहा हूँ, नहीं, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तब भी आगे बढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। ये चीज़ आप मेरे टीचिंग पैटर्न में ऑब्जर्व कर लो कि वैसे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं जब तक ये नहीं हो जाता मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पर तब भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। अलंकार पे पहुंचा दिया, 7 अलंकार एक बार में आपको दे दिए मैंने, सारी ताले एक बार में बता दी, जबकि मैंने क्या बोला था, मैं हारमोनियम पे हाथ भी तब तक नहीं रखवाऊंगा जब तक आपकी ये ताले बराबर नहीं हो जाती, मैंने ही कहा था, क्योंकि वही सही तरीका है, लेकिन वो सही तरीके पे, उस सच्ची राह पे कोई चल नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, है ना। लीनियंट तो मैं बहुत हूँ, मेरे जितना लीनियंट टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, लीनियंट मैं बहुत हूँ, लेकिन हाँ साथ साथ में सच भी बताता रहता हूँ, नहीं तो मेरा फ़र्ज है उसके साथ गद्दारी होगी जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, वरना संगीत मुझे पाप देगा कि भैया क्या झूठ बेच रहा है तू, है ना, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बताऊँगा सच, लेकिन आपको जितना लेना आप उतना लीजिए और उतना आगे बढ़िए, आपको इजाफा हो जाएगा, और ठीक है कई स्टूडेंट्स मुझसे साल भर सीखते हैं, कई 6 महीने सीखते हैं, है ना, कई 5-5 साल भी सीखे हैं, वो 5 साल तो खैर मुझसे कोई नहीं सीखा, मैक्सिमम आज अगर मैं गिनूँ ना तो 1.5 साल लगातार मुझसे सीखने वाला मैक्सिमम आज तक मुझे जो मिला है वो 1.5 साल था, कि 1.5 साल तक वो इंसान सीखा हो। लेकिन जो 6 महीने साल भर भी सीखे हैं ना, और आज वो लाइट म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, गाने गाते हैं शादियों पार्टियों में, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कर लेते हैं होटल्स में, है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, पार्टीज़ होती है ना, कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें थोड़ा परफॉर्मेंस कर दी, है ना, लाइव शोज़ कर दिए, और दूसरों के ही गाने गा रहे हैं, वही किशोर कुमार के, लता जी के गाने जो पुराने चले आ रहे हैं वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लासिकल नहीं परस्यू किया, लेकिन सिखाया मैंने उनको तब भी क्लासिकल ही था। वो आज धन्यवाद बस इसी चीज़ का देते हैं कि यार हम आपके साथ जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी सिखाई गई विद्या को हम आगे परस्यू करें, लेकिन आपने जो सारा सिखाया था वो काम हमारे इसमें आ रहा है यार, क्योंकि जब उसको करने जाते हो ना तो प्रैक्टिकल जब उतरते हो तो समझ आता है अरे यार यही चीज़ तो अप्लाई हो रही थी। आज मैं अपने इंग्लिश के प्रोफेसर को इतना धन्यवाद देता हूँ, मैंने 3 साल इंग्लिश ऑनर्स करी है, मेरा कोई लेना देना नहीं था इंग्लिश ऑनर्स से, मैं गलती से गाया था,
मुझे करनी म्यूजिक की डिग्री थी, तो मेरी म्यूजिक वाली मैम ने बोला बेटा इस कॉलेज में म्यूजिक में तो ऑनर्स होता नहीं है, तो तुम ऐसा करो नॉर्मल कोर्स मत लो, ऑनर्स कर लो किसी में, तो ऑनर्स करोगे तो एटलीस्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, नाम के लिए इंग्लिश ऑनर्स में ले लिया एडमिशन, है ना। एक आध दिन चले भी गए मुंह दिखाने की, देख लो वरना ज्यादातर तो मैं म्यूजिक रूम में ही पढ़ा रहूंगा अपने हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि बैठने लगा तो धीरे धीरे दिलचस्पी आने लगी, दोस्त बन गए तो चलो उस हिसाब से भी जाने लगे। 3 साल पढ़ा मैंने इंग्लिश ऑनर्स, पर कभी उतनी खासा दिलचस्पी खुद से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे आगे क्या करना है इसमें। ये ऑनर्स लेके मैंने तो कहीं जानी नहीं है, ना मैंने कहीं नौकरी करनी है, मेरा फील्ड तो म्यूजिक है। ठीक है, ये नाम के लिए डिग्री पूरी हो जाएगी, साथ साथ में मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। लेकिन आयरनी देखिए या विधि का विधान देखिए, मैं म्यूजिक क्लास में कम और इंग्लिश ऑनर्स की क्लास में ज्यादा बैठने लगा। और आज की तारीख में मेरे हर लेक्चर में कहीं ना कहीं उस लिटरेचर का जो इंग्लिश ऑनर्स मैंने उन गुरुदेव से सीखी उसका जिक्र आ जाता है, मेरी लाइफ में आ जाता है। मैं उनको इतना धन्यवाद करता हूँ, आप मानेंगे नहीं, हमारे बैच में से कोई नहीं जाता उनसे मिलने मेरे अलावा, जबकि वो सारे के सारे थे वो इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं, आगे भी एमए इंग्लिश कर रहे हैं, प्रोफेसर बनना है। मैं तो म्यूजिक वाला, मैं सर के अभी भी उदयपुर में गया था, मैं सर से मिल के आया, मैंने कहा सर आपकी जो सिखाई हुई चीज़ें मेरे काम आ रही, तो वो ताज्जुब करते हैं कि बेटा तू तो इंग्लिश को परस्यू भी नहीं करना चाह रहा था और तेरे तो कहीं काम भी नहीं आ रही है, पर तब भी तू मेरी इन टेक्निक्स का धन्यवाद करता है। मैंने कहा सर ये इन सारी चीज़ों ने मेरा स्तर बढ़ा दिया बुद्धि का, तो जब बुद्धि का स्तर बढ़ा तो अपने आप मेरी संगीत में इजाफा हो गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ भी तो लिटरेचर ही गा रहा हूँ ना मैं, तो लिटरेचर को समझना। आप क्लासिकल की टेक्निक्स को आगे परस्यू नहीं करोगे, लेकिन ये टेक्निक्स आपको लाइट में पहचानने में मदद कर देंगी। लता जी ने प्योर क्लासिकल सीखा है, गाया कभी नहीं। रफी साहब ने प्योर क्लासिकल सीखा, कभी नहीं गाया। सोनू निगम साहब ने, अरिजीत ने, सब ने क्लासिकल सीखा और उतना ही गहरा जितना मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, है ना, ख्याल बंदिश ये सारी चीजें सीखी, गाया क्या कभी? कभी नहीं सुना होगा आपने कि लता जी का कोई क्लासिकल रिकॉर्ड, नहीं, बहुत रेयर रिकॉर्ड्स हैं, पर फिल्मों में कभी नहीं आया। तो ये चीजें हैं, ये जो समझ नहीं पाता है वो ये जानता है कि यार क्रैश कोर्स थोड़ा सा हो जाए, तो क्रैश कोर्स होता ही नहीं। जीवन का कोई क्रैश कोर्स होता है क्या, ये बताइए ना। संगीत हमारे लिए तो जीवन है, हम उसी अंग से सिखाते हैं, अब आपके नसीब में कितना लग जाए। मैं ये तो कभी नहीं कहा मैंने कि आपको ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये आपको कहीं क्लासिकल आर्टिस्ट एज एन क्लासिकल आर्टिस्ट आपको परफॉर्म करनी है, नहीं, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं खुद क्लासिकल सीखा आदमी हूँ। मेरे चैनल पे आप परफॉर्मेंसेज अगर मेरी देखेंगे आपको गजलें सुनने को मिलेंगी, गीत सुनने को मिलेंगे, भजन, कव्वालियाँ, ठुमरियाँ, दादरा ये सुनने को मिलेंगी। मेरा क्लासिकल गाया हुआ रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, मैंने परफॉर्म ही नहीं किया कभी। मैंने गुरुजी के लिए गाया, क्लास में गाया, है ना, रिकॉर्डिंग्स करी गुरुजी के लिए कि आपकी जो आपके बनाए हुए ख्याल है चलो उनके लिए, मैंने कभी परफॉर्मेंस लाइव अपने बल पे कि एज एन क्लासिकल आर्टिस्ट मैं आ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया। मैंने वो क्लासिकल खुद ने परफॉर्मेंस के लिए नहीं सीखा तो मैं आपको क्यों सिखाऊंगा परफॉर्मेंस के लिए। मैं खुद क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लाइट का आर्टिस्ट हूँ, है ना, लेकिन क्लासिकल पूरा जानता हूँ। तबले की ऐसी ऐसी बारीकियाँ मैं जानता हूँ जो एक तबले वाला नहीं जानता, जो प्रोफेशनल तबला वादक है, पर मैंने सीखी है, क्योंकि वो बारीकियाँ मेरी डायरी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तबले की 2 डायरी भरी हुई हैं जो मैंने 3 साल रेगुलर तबला सीखा है। बजाना नहीं आता मेरे को, मेरा हाथ नहीं चलता उतना जितना एक प्रोफेशनल तबले वाले का चलेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल तबले वाले की जितनी दिमाग नहीं चलता उतना मेरा दिमाग चलता है। मैं समझ सकता हूँ ये ताल जा रही है, ये लय जा रही है, तो वो चीज़ है, आप चीज़ें किस वजह से सीख रहे हो। मैंने तो नहीं जाके बोला कि सर मुझे तबला वादक प्रोफेशनल नहीं बन रहा है, सिर्फ उतना सिखा दो जितना मेरी सिंगिंग में काम आता है कि 4 गानों के साथ जो तबला बजता है वो बता दो, कि गजल के साथ जो तबला बजता है वो सिखा दो। मैंने नहीं बोला सर को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भले ही मुझसे 2 महीने हुए हैं, 4 महीने, 6 महीने सीखिए, लेकिन उसके बाद भले ही आप गाने लग जाना, गाने परस्यू करने लग जाना, लेकिन तब भी ये जो मेरी बताई गई टेक्निक्स हैं ये जब उसमें इस्तेमाल होंगी ना तब याद करोगे कि यार वो जो 6 महीने आपने जो क्लासिकल ज़बरदस्ती हमें सिखाया।